नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार कई बड़े फैसले ले रही है जिससे सूबे को एक अलग पहचान मिल सके। तो इसी बीच किसानों के बारे में सोचते हुए केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया है जिसकी मदद से किसानों को बड़ा लाभ हासिल होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें तोमर ने कहा है कि सरकार की फूड प्रोसेसिंग योजना का लाभ उठाकर उद्यमी इस क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए आगे आए। सरकार फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी दे रही है जिससे खाद्य प्रसंस्करण से जुड़कर किसान भी समृद्ध होंगे, साथ ही उद्यमियों को भी बड़ा फायदा होगा। दरअसल आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि एवं पंचायती राज वह ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में आयोजित खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही कि ग्वालियर चंबल अचल खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिहाज से अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इनका दोहन कर इस क्षेत्र के छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त किया जा सकता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत भारत सरकार ने फूड प्रोसेसिंग की 10,000 छोटी इकाइयों की स्थापना में मदद देने का निर्णय लिया है, साथ ही कृषि अधोसंरचना पर भी सरकार 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अचल सांस्कृतिक व्यापारिक क्षेत्र के साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी समृद्ध है। यहाँ गेहूं और धान का उत्पादन तो अच्छे से होता ही है, बाकी दलहन और तिलहन विशेषकर सरसों का उत्पादन प्रसंस्करण की भी अपार संभावनाएं हैं। मुरैना, भिंड और ग्वालियर में तिलहन प्रसंस्करण के कई उद्योग सुचारू रूप से चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने अपने बयान में आगे कहा कि मुरैना जिले शहद की दृष्टि से भी काफी अग्रणी है। नेफेड ने शहद का एक FPO बनाया है जिसकी माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद उत्पादन में वृद्धि, बेहतर पैकेजिंग, मार्केटिंग हो पाएगी। यहाँ का शहद देश के साथ दुनिया में भी बिके इसका प्रयास किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर ने शिखर सम्मेलन में बताया कि किसानों की समृद्धि के लिए भारत सरकार 10,000 नए FPO यानी किसान उत्पादक संगठन बनाएगी। इन FPO पर सरकार द्वारा 6,865 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। FPO यदि खेती के लिए 2 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो उन्हें ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों को उन्नत कृषि तकनीक से जोड़ने और कृषि जोखिम कम करने के लिए सरकार भरपूर मदद करेगी। इसी कड़ी में सरकार ने 10 करोड़ किसानों के खातों में भी 1,18,000 रुपए की करोड़ धनराशि जमा करी है। इस प्रकार सरकार हर छोटे किसान को अतिरिक्त आमदनी के लिए 6,000 रुपए दे रही है। सरकार ने किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और वाजिब दाम दिलाने के लिए गांव-गांव तक कोल्ड चेन बनाने का फैसला किया है। वहीं इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने की जुटी हुई है। राज्य सरकार 5 साल में 10,500 फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित कराएगी। कुशाल ने आगे कहा कि इसमें से 262 इकाइयों को मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान ही मदद दी जाएगी। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में फूड प्रोसेसिंग के लिए 500 करोड़ रुपए का अनुदान करने का फैसला किया है। तो वहीं प्रदेश सरकार खेत में मंडी को लेकर भी बाजार तक किसानों की फसल को सुरक्षित रखने और फसल के वाजिब दाम दिलाने के लिए कोल्ड स्टोर की चेन स्थापित कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत भी उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ग्वालियर जिले के आलू उत्पादन, शिवपुरी के टमाटर को चुना गया है।
फिलहाल इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।